नसीरुद्दीन अजमल जी। सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इस इशू के ऊपर, इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। सर जो बड़े 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 नेता हैं वो तो अपनी बड़ी बात करेंगे और सब बातें हो रही हैं, लेकिन मैं ग्रास रूट की बात करना चाहता हूँ। शायद लोगों को नया लगे कि रुकावट तो हम बाद में करेंगे, जेल में डालेंगे, फांसी दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे, बात की बात है। सर ये हमारी बीमारी हमारे घरों में कैसे घुसी, ये हमारे बच्चे क्यों भटक रहे हैं, कॉलेजों के बच्चे भटक रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे भटक रहे थे, अब तो क्लास 10 के और क्या 8वीं क्लास के 10वीं क्लास के बच्चों को भी आदत होने लगी है। घरों में ये बीमारी घुस चुकी है हमारी। इसके अंदर मेरे हिसाब से, मुझे माफ करें, हम जो माँ बाप है, गार्जियंस है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बच्चे क्यों भटक रहे हैं, अकेलेपन को महसूस करते हैं, रात दिन माँ बाप अपने ड्यूटी में रहते हैं, नेता है तो बड़े बड़े नेतागिरी अपने काम में है, ग्रास रूट में घर में बच्चों का क्या हो रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, बच्चे शिकार हैं, इस बात के शिकार है कि हम अकेलेपन है, ना माँ हमारे पास देने के लिए टाइम है, ना बाप को देने के लिए टाइम है, किसी बड़े को हमारे लिए टाइम देने का मौका नहीं है। इसलिए माँ बाप से मैं आपके माध्यम से, क्योंकि इतना बड़ा चैनल मुझे नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, कि माँ बाप जागे, अपने बच्चों को प्यार दे, जो माँ को प्यार देना है वो माँ प्यार दे जरूर, सब अपना काम करें, लेकिन माँ जरूर माँ बन के उस बच्चे को देखे, बाप बाप बन के उनके लिए टाइम दे। और ये चीज जो है हम लोग अपने ग्रास रूट से, घर से जब हम लोग इसको हेट करेंगे, लेना ही बंद कर देंगे, तो कोई लाने वाला नहीं मिलेगा मार्केट में, जो उसकी डिमांड ही नहीं होगी, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो बाहर से कोई एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा, स्मगलिंग भी नहीं करेगा और संतराष्ट्रवाद भी नहीं करेगा। मेरा अपना यह सोच था, मैंने रखा, इसके ऊपर सब लोग सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।